नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले की तहसील चौराई के अंतर्गत आने वाले ग्राम सांख के पास स्थित 100 वर्ष प्राचीन डोंगर देव स्थल पर महारुद्राभिषेक की शुरुआत हुई। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और अद्भुत और साथ ही चमत्कारी भी बताया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं हैं जो कि एक छोटी धुरी पर ही टिकी हुई है। साथ ही किसी चमत्कार से ये कम नहीं। जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने वहां पर अभिषेक कराने वाले पंडित जी और अभिषेक पर बैठने वाले राजा रानी से बात की तो उनका ये कहना था कि आप इस उसके माध्यम से जान सकते हैं। खड़ा हूँ अभी डोंगरदेव में। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर और गुफाएं स्थल भी हैं। यहाँ पे विशालकाय पत्थर देखे जा रहे हैं जो कि आप अभी आगे जो वीडियो है उनमें देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ विशालकाय पत्थर है जो कि एक अपने स्थल पर धुरी पर रुके हुए हैं जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर में पुजारी हम 10 वर्षों से। 10 वर्षों से तो ये अभिषेक जो आपने स्टार्ट किया शुरुआत इस वर्ष से, इसका उद्देश्य जन कल्याण। यहाँ पे हर वर्ष निरंतर इस प्रकार के अभिषेक होते रहेंगे। इसके बाद निरंतर आगे कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे जी। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि यहाँ जो प्रतिदिन शिव मंदिर है यहाँ पे मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं? जी बिल्कुल होती है और यहाँ पे लोगों को आकर अच्छा लगता है। जी यहाँ पे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम कोई त्रुटि होती है अभिषेक में? नहीं अभी तो नहीं जी। ये तो वर्षों से है, भी बहुत पुराना, हम जब से पहले से है, लगभग 100 वर्षों से। 100 वर्षों से जी। यहाँ पे जो अभिषेक होता आ रहा है ये कब से होता आ रहा है? ये अभिषेक तो इस वर्ष से हो रहा है, हर साल होता, 2 बार यहाँ पर यज्ञ हो चुके बड़े बड़े जी। और यहाँ पर जो है काफी सिद्ध स्थान है और डोंगरदेव बाबा जो प्रसिद्ध है, बिल्कुल जो मनोकामना करते हैं लोग पूर्ण होता है। यहाँ पर सब प्रकार से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है और आते हैं श्रद्धालु लोग बहुत जोरों से। मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को और श्रद्धालु लोग मतलब हर उसमें अपना मन्नत लेकर के आते हैं अर्पण करने के लिए। ये जो अभिषेक किया जा रहा है सभी की सुख शांति समृद्धि, पूरे परिवार, पूरा एरिया जो भी है, अपना क्षेत्र जो भी पड़ता है, इसकी सुख समृद्धि एवं सुख शांति के लिए ये अभिषेक किया जा रहा है। हर साल सावन के महीने में इसको ये हर साल आगे बढ़ाना ये परिपाटी को। और यहाँ पे अभी एक अभिषेक शुरुआत हुई इस वर्ष जो कि रुद्र अभिषेक किया जा रहा है पंडित जी द्वारा। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि समाज में शुद्ध बुद्धि और समाज में उत्थान और समाज का जो निरंतर जो विकास हो रहा है, जो समाज में जो अंधविश्वास फैल रहा है उसको नष्ट करना और प्रकृति वातावरण को शुद्ध बनाए रखना, इस वजह से यहाँ पे जो है अभिषेक का किया जा रहा है। मैं ललित रघुवंशी, फास्ट समाचार, जिला छिंदवाड़ा।